दोस्तों इस तरह से करके जो आप अपने टिकटॉक के लिए वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो चलाएं और अपने व्यूज़ को बढ़ाएं और अपने टिकटॉक की वीडियो को वायरल करें। कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों वीडियो के ऊपर वीडियो को कैसे ऐड किया जा सकता है, जिस तरह कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक तरफ मेरी वीडियो चल रही है और ऊपर मैं जो है ना वीडियो ऐड की हुई है। बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल था कि भाई हमें भी बताएं कि इस तरह से वीडियो की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और आप भी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ चंद मिनट में। तो भाई आज आपको हम बताने वाले हैं कि आप इस तरह से वीडियो के ऊपर वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और सिंपल सा तरीका है, एक मर्तबा देखने के बाद आप खुद ही जो है ना ऐसा कर सकेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं कि अल्लाह जल्ला शानहू आपकी हर हवाला से हिफाजत फरमाए। भाई बहुत ही आसान तरीका है वीडियो के ऊपर वीडियो को ऐड करना। इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन सबसे आसान जिस सॉफ्टवेयर पर जिस एप्लीकेशन पर काम होता है मैं आज आपको उस एप्लीकेशन का भी बताऊंगा और उसका जो है ना उसके बारे में आपको कहूंगा भी सही कि आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो काइनी मास्टर है, इस पर आप आसानी से यह काम कर सकते हैं। लेकिन काइनी मास्टर से भी सबसे बेहतरीन जो ऐप है वो ये है कैप कट। ये आप जो है ना प्ले स्टोर से आसानी से जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, लिखेंगे कैप कट और ये एप्लीकेशन आ जाएगी। और मेरे पास चूँकि पहले से इंस्टॉल शुदा है तो आपके यहाँ यहाँ जो है ना इंस्टॉल लिखा होगा, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद भाई आपने सिंपली से कैप कट को ओपन कर लेना है। दोस्तों सिंपली से आपने इस ऐप को क्लिक करके ओपन कर लेना है। इस तरह से फेस नज़र आएगा। ये मेरी नीचे वीडियोज़ कुछ पड़ी जो मैंने एडिटिंग की हैं और यहाँ आपने न्यू प्रोजेक्ट पर जो है ना सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से आप कोई सी भी जो है ना वीडियो आप सेलेक्ट करें जिस पर आप वीडियो ऐड करना चाहते हैं। तो मैंने ये वीडियो जो है ना सेलेक्ट कर ली। अब मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर भी मेरी वीडियो चले तो उसका तरीका क्या है? बहुत ही आसान सा तरीका है, आपने इस वीडियो को गौर से देखना है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हिस्सा जो है ना आप स्किप कर दें और आपको बात की समझ ना। बिल्कुल जल्दी से मैं आपको बात समझाने की कोशिश करूंगा। तो भाई यहां आपने नीचे से आपने पांचवें नंबर पर जाना है। ठीक है, एडिट को छोड़कर ऑडियो टेक्स्ट और स्टिकर्स को छोड़कर ओवरले पर जाना है। ये जो पांचवा नंबर है इस पर आपने जाते ही जो है ना क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से फेस आ जाएगा। तो आपने यहाँ ऐड ओवरले पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर वो वीडियो सेलेक्ट करनी है जो आप उस वीडियो पर चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं चूंकि जॉन से भी सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है आप भी कर लीजिएगा जो आपका दिल करे। तो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको ऐड पर क्लिक करूँगा। ऐड किया तो इस तरह से मेरी वीडियो इस वीडियो के ऊपर आ गई। अब आप यहाँ इसको बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, नीचे रखना चाहते हैं या के ऊपर रखना चाहते हैं, जहाँ भी रखना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से करके आप जो है ना वीडियो के ऊपर वीडियो चला सकते हैं। ये देखें दोनों काम हो रहे हैं। ठीक है, मेरी वीडियो भी चल रही है नीचे से वीडियो। तो इस तरह से ये है कि अगर आप टिकटॉक की इस तरह से वीडियोस बनाएंगे तो बहुत सारे लोग आपकी वीडियो को ज़्यादा वाच करेंगे, वाच टाइम पूरा होगा और आपकी वीडियो भी वायरल होगी। ठीक है, तो भाई ऐसी जो है ना आप एडिटिंग करें और उसके बाद आपने क्या करना है, हाँ अगर आप ये वीडियो जो आप ऊपर लगा रहे हैं ये बड़ी है तो आप इसको यहाँ से काट भी सकते हैं, जितना काटना चाहें आप। दोस्तों काटने के लिए आपने उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्प्लिट ये जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपकी वीडियो जो है ना कट हो गई। अब आप इस दूसरे हिस्से को काटना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। लीजिए भाई आपकी वीडियो तैयार हो गई है। ठीक है, तो आप क्या करें, इस तरह से एडिट करें और सेव करने का ये ऑप्शन है, इस पर आकर आप सेव कर लें और सेव करने के बाद आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो भाई ये सिंपली सा तरीका था। तो आज की वीडियो में मेरे बहुत सारे दोस्त यही सवाल कर रहे थे, भाई वीडियो के ऊपर वीडियो कैसे चलाई जाती। तो आज मैंने सादा सा जल्दी से ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो मैंने आपको सिखा दिया है। तो अल्लाह ताला आपको जजाए खैर नसीब फरमाए। वीडियो अच्छी लगी और समझ आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप जो है ना बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास टाइम के साथ जो है ना पहुँच जाए। और उसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक कर देना प्यारे भैया, इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, बहरहाल हमारा जो है ना हौसला अफजाई हो जाती है। और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाइएगा ताकि हम जो है ना आपकी राय के मुतालिक जान सकें कि आप जो है ना इस हवाले से क्या राय रखते हैं। और उसके साथ साथ मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतनी सपोर्ट कर रहे हैं और इतना जो है ना प्यार दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जजाए खैर नसीब फरमाए।